FIS को आज के दिन कंपल्सिव सेलिंग करनी पड़ रही है, कारण जानते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में। सपोज करते हैं आप FI है, 10 साल पहले जनवरी 2012 में आपने इन्वेस्ट किया था, सेंसेक्स चल रहा था 16,000 पे, जनवरी 2022 में सेंसेक्स चल रहा था 60,000 पे, आपके एब्सोल्यूट रिटर्न्स हुए 371% के और CAGR रिटर्न्स निकल के आते हैं पर एनम के 13% के, यू आर वेरी हैप्पी। पर जैसे ही आप डॉलर की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, 2012 में डॉलर चल रहा था 40 रुपीस पे और आज के दिन एक डॉलर की वैल्यू हो चुकी है 75 रुपीस पे। ये डॉलर के लॉस को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके एब्सोल्यूट रिटर्न्स रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 197% के और CAGR रिटर्न्स रहते हैं 7% के। एंड सोचिए, सिर्फ 7% के CAGR रिटर्न्स के साथ अगर आपको लगे कि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म हो रखा है तो क्या आप भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? वही कर रही है आज के दिन FIS। पर कब आएगी FIS वापस से इंडियन मार्केट में, आपका क्या टेक है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।